राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर भविष्य में कभी किसी देश ने एक बेहद भारी परमाणु या हाइड्रोजन बम का प्रयोग या परीक्षण चांद पर किया तो इसके क्या नतीजे होंगे। वैसे तो चांद आकार में पृथ्वी का एक तिहाई है और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 4 गुना कम है, लेकिन फिर भी चांद इतना बड़ा है कि कोई एक परमाणु बम चांद को नष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब वर्तमान समय में इंसानों द्वारा चांद को नष्ट करना असंभव है। ऐसा करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु शस्त्रों को मिलाकर विस्फोट किया जा सकता है, पर उस विस्फोट से भी कई लाख गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट चांद पर करना होगा तो ही चांद को टुकड़ों में बिखेरने की बात सच हो सकती है। लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, चलिए आगे देखते हैं। अगर चांद को कई टुकड़ों में बिखेर दिया जाए तो जो बड़े होंगे वह हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेंगे और हमारे पास छोटे ही सही लेकिन एक से अधिक चांद हो जाएंगे। वही कुछ छोटे टुकड़े बहुत ही तेज गति से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आएंगे जो पृथ्वी के लिए बेहद विनाशकारी साबित होंगे। मतलब चांद अपने नष्ट किए जाने का बदला हमसे जरूर लेगा। वहीं दूसरी ओर ये टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट से भी टकरा सकते हैं, जिससे इंटरनेट और संसार की सेवाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं चंद्रमा की अनुपस्थिति में हम सूर्य ग्रहण कभी नहीं देख पाएंगे, जिससे खास तौर पर भारत में ज्योतिषियों को बहुत ज्यादा निराशा होगी, जो कि अक्सर ग्रहण को लेकर उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करके अपनी दुकान चलाते हैं। तो समुद्र में होने वाले ज्वार भाटे की प्रक्रिया भी काफी हद तक बंद हो जाएगी, जिससे समुद्र में होने वाले सर्फिंग जैसे खेल नहीं खेले जा सकेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव जो चंद्रमा के बगैर होगा वह है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती है, जिससे सर्दी और गर्मी के रूप में मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के झुकाव को चांद ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर रखता है। हालांकि ये झुकाव पूरी तरह से स्थिर नहीं है, यह तकरीबन 22.1 से 24.5 के बीच में रहता है। लेकिन चांद के बगैर झुकाव की स्थिरता हमेशा के लिए खो जाएगी। पृथ्वी कभी बिल्कुल सीधी तो कभी कभी 45 डिग्री तक तिरछी भी हो जाएगी, और ऐसा बहुत तेजी से होगा, जिसकी वजह से कभी अचानक ठंड तो कभी बेहद तेज गर्मी पड़ने लगेगी, जिससे हो सकता है कि रात को ठंड की वजह से आपको हीटर चलाकर सोना पड़े, लेकिन सुबह तक इतनी गर्मी हो जाए कि आपको उठकर अपना एयर कंडीशनर चालू करना पड़े। वहीं मौसम में हुए नाटकीय परिवर्तन के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, जिससे महासागरों का स्तर लगातार बढ़ने लगेगा, जिसे धीरे धीरे करके पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। फिर शायद हमें रहने के लिए अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की ओर भागना पड़ेगा। करोड़ों इंसान और जीव जंतु बेमौत मारे जाएंगे। हालांकि ये सब अचानक से नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा के नष्ट होने का फल संपूर्ण मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के दावे करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इन दावों को हकीकत तक लेकर जाना। असल में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से तेजी से बाहर निकलने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, जिसके लिए ढेर सारा ईंधन चाहिए। इसी वजह से यान बहुत ज्यादा वजनी हो जाता है, इसलिए उसमें सिर्फ जरूरत का सामान ही रखा जाता है और यान को बेहद हल्का बनाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। ऐसे में कई टन भारी वजन के परमाणु बम को यान में लेकर जाने के लिए शायद किसी अलग ही तकनीक की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।